कहीं नहीं जाऊंगी अब। ए दरोगा हमें कहीं मुदखाने काबिल नहीं छोड़ेगा पा जाएगा रास्तम तो। मैं सोच रही थी दरियम खुद भी जान दे दूंगी मगर मैं बाबूजी कहीं नहीं जाऊंगी अब। किसलिए मुझे मेरी इज्जत प्यारी है और मुझे कुछ भी नहीं प्यारी। ए दरोगा कब ने संजोग नहीं देखा है कि कब मेरी इज्जत बर्बाद कर दे। माँ मैं तेरे गोद में आ रहे नंबर एक नंबर दो पता क्यों दे रही अपनी जान पता पता क्यों दे रही अपनी ये बताइए माँ गंगे मकत कर क्यों अपने जान देना चाहती है। क्या बताऊं आप मेरी जान बचाने वाले कौन होते हैं मगर आप पूछे तो मैं जरूर बताऊंगी कि मेरा इस दुनिया में आगे पीछे मेरे कोई नहीं है। अब मुझे मर जाने दीजिए आप ऐसे जिस काम से वो काम करके अपना चले जाओ मगर मेरी जान मत बचाइए आप। एक इंसान का फर्ज होता है दूसरे इंसान की मदद करना। हमने तुम्हारी मदद कर दी तुम्हारी जान बचाई है। बताइए तुम्हारा नाम क्या है तुम्हारा पता क्या है और तुम कहाँ की रहने वाली हो तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं। मैं आपको जरूर बताऊंगी। और मेरा नाम नीतू अमितपुरी ठिकाना सही सच बताती न करती बहाना। बाबूजी मेरा नाम नीतू है ना जाने मेरे पापा को दुश्मन खून कर दिया मौके पर मेरे भैया पहुंचे झूठा इल्जाम मुझ पर लगाकर। रिश्वत खान दरोगा के पास मेरे पुता ने फोन कर दिए वहां से दरोगा साहब आए ले जाकर मुझे मारे पीटे जेल में बंद कर दिया यहां तक कि मेरी 14 साल की सजा बोल दिए थे। जब मेरी 14 साल की सजा बोल दिए थे जब पूरे हो गए तो जेल साहब मेरी है कि फिर घर चली जाओ गुड़िया। जब मैं घर आ रही थी तब मेरी स्वाद दिखा अंदर होगा और मेरे स्वभाव को न देख पाया और हराम ज्यादा उल्टी सीधे मुझसे बातें करने लगा। मैंने उनकी कहा न माने मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैं किसी तरह मारपीट कर वहां से भाग निकली अगर न वहां से मैं भाग निकलती तो दरोगा हमें समाज में मुझे खाले काबिल न छोड़ता न तो मैं कई अरोस से पुरुष से बैठने लायक रहती बाबूजी। मगर मैं आपसे आपका नाम क्या है कहाँ के रहने वाले ठिकाने का है बताओ ना आप। आप मेरा नाम और पता जानना चाहती हैं देवी जी तो सुनो मेरा नाम शिव शंकर या मेरा नाम शिव शंकर सीतापुर ठिकाना सही सब बताता हूँ करुणा बहाना। शिव शंकर सी
को उतरे सुनियो सुनियो मेरी बहन को उतरे राजी ने मारा सही सब बताता हूँ करुणा बहारा मेरा नाम देवजी मैं कहीं दूर के नहीं राल के सीतापुर का रहने वाला हूँ मेरा नाम शिवशंकर शिवशंकर था माशा छोटे बहन थे जिसका नाम पूनम था मेरी बहन अमित वरिष्ठ कॉलेज में पढ़ रही थी और वो भी राज अपने अमित वरिष्ठ कॉलेज में पढ़ रहा था और मेरी बहन से मोहब्बत कर लिया जब मेरी बहन पेट से हो गई तो हराम ज्यादा मैंने अपनी बहन को लेकर उसकी हवेली फिर गया और समय तो मेरी बहन से शादी कर ली लेकिन ठीक रक्षाबंधन के दिन हरामजादा मेरी बहन को चाकू से गत कर बोरे में भर कर फेंक दिया आज मैं अपने बहन का खून का बदला लेने के लिए डाकू कमल बन गया हूं ठीक है बाबूजी आप जो कुछ भी हो अच्छे हो मगर आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ क्या मेरी बातों का देखो अगर बात मानने के लायक रहेगी देवी जी तो मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा आके लगी जा गले से मेरे प्यारे पिया अपने हाथों से घूंघट हटा दीजिए बन के पति बरतनारी सेवा करे बन के पति बरतनारी सेवा करे अपने बाप होकर झूला झूला लीजिए अरे राज सुनो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता क्या कहना चाहते हो ये सितारा की ना बात करो तो बिजली ऐसा कहते हुए तुझको कैसा लगा सिर्फ परिवार की तुम लगती मुझे परिवार की तुम लगती मुझे नाम घर का यो अपने या बना दुबास परिवार अरे बजे आप मुझे शिक्षित परिवार की लग रही हैं अरे आप कुछ सोचो जिसके वस्त्र जिसके तन पर काला वस्त्र हो हाथ में बोनल की बंदूक और कमर में कारतूस भरा बेल्ट पहला किसके साथ शादी कर सकता है देखिए मैं जो कह रही हूँ आपकी बात मेरी बात आपको मंजूर है कि नहीं मैं जितना पूछू आप मुझे आपकी बात नहीं मंजूर है मैं प्लीज कह रही हूँ मान जाओ मेरी बात आगे मत बढ़िए देखा देवी जी मुझे आपकी बात नहीं मंजूर है मान जाओ ना नहीं मानूंगा मान जाओ समय नहीं मान जाओ अपनी जिद करते हो तो मैं आपको क्या कहना चाहते हूँ अरताली माला राजा हाँ मेरा कहने वाला Yeah.
देखा दीदी बहनी हरिया, इनका हम कहा थे मान जा, मगर ये दहनतियों खांची में शरीर लेके केकर खिया जही है। आ? जब कहा थे मान जा, समय नहीं बा, न मन भया। नंबर एक, नंबर आके लगी जागल से मेरी दिल रोपा, चांदी तारों से नाथ सजाऊंगा मैं, देखा दे मुझे। हमें तुम्हारी बात मान ली, लेकिन एक मेरी बात तुम्हें माननी पड़ेगी। अरे एक नहीं सौ बात कहा, मानने के लिए तैयार बने, मगर तुम्हारी बात माना मार संगत जी छोड़े बस। आज से तुम्हारा नाम रेत नहीं तो नहीं बल्कि डाकू काली होगा। जिस तरह से समाज के दरिंदों ने तुम्हारे साथ खिलवाड़ किया है, आज से ये लोग बंदूक मिटा दो उन दरिंदों के जिसने तुम्हारे आबरू के साथ खेलने की कोशिश की। अब ना छुपाऊंगा, सबको बताऊंगा, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगा, मैंने किया है तुमसे प्यार, ओए मेरा दिल तेरा यार के बन गया है तुझे प्यार, ओए मेरा दिल तेरा यार के। एक लड़का एक लड़की थे, एक दूसरे पे मरते थे, राज वफा बतला ले तो एक दोनों तो डरते थे, पागल दिल का माना बन ही गया अफसाना, कई सारी बातें होने लगी मुलाकातें, मत लुटाऊंगा और जो तेरे पर लाली चुराऊंगा, मैंने किया है तुमसे प्यार, ओए दिन मेरी बहू जाकर के गांव में शोर मचा दी कि मेरी मां मेरी सासू मां छीनान निकल गई। आ जा जाए भातार गयो घर में, तो या तो वो रहेगी या तो मैं। तू हमारे गोड़े छुआती है, ये बता रे ते घर में का सुने का नहीं सुने, जाए के गांव में शोर मचाई दे कि हमार सासू माँ छिनार हो गई। ये बताओ आज तोहरे बुढ़वा का मरे कितने साल हो गई? माँ बाबूजी को तो मरे हुए 2 साल हो गए, लेकिन मैं जब भी आपको देखती हूँ आप पता नहीं किससे किससे घर में बातें करती रहती हो, और पता नहीं कौन कौन से लोग आते जाते रहते हैं। माँ कुछ तो इज्जत का ख्याल रखो। माँ इज्जत का ख्याल रखो माँ, ना कट गई भतार गड़ो हमार बात। कि आज मेरे घर से Thank you.
जाना पड़े। शोर मचाए थे गांव में, जे सुने तो का कही हमका। बोल माँ, आप ऐसे मार रहे हो माँ, कुछ तो देख के मारो माँ कि मेरे पेट में बच्चा है माँ, कुछ भी हो सकता है हमको। कुछ भी हो सकता है तोहरे पेट में बच्चा बा। अरे भतार गयो, आज तोहरे भगवान पेट में बच्चा दे बा। हम के एक दिन दे रहा भगवान बच्चा, हम दर्जन लड़का हो आई के जैसे तैयार है ना, हम खाटी खाट आज तो का भगवान बच्चा दे दी पेड़वा, तो खाना खाना पीना कहो नहीं कहे बार ससुरे माँ इतना सतावत बालू माँ सासुरे सासुरे माँ इतना सतावत बालू उसे देरी लैले तू जमीन में फली है। कमल के साथ से चले, जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचाइए। ये लो हथियार, मैं इसे फौरन लेकर हॉस्पिटल ले चलो, एडमिट कर दिया जाए। आगे भैया रामकरण आप साहब चांदोपारा निवासी हैं, 11 रुपए का पुरस्कार है भैया के, नमस्कार प्रणाम है।
राजकुमार और लड़की को दबाए एडमिट कर दिया, काली को उसके साथ छोड़ दिया हूँ। दस दर बैठ कर काली का इंतजार करता हूँ, अभी उस लड़की को ले आकर जरूर आती होगी। कमल, डॉक्टर जिसका बच्चा नहीं बचा पाए इसकी जान बचा लिए, इसके हालत ठीक ठाक जो पूछोगी बताएगी आपको। देवी जी क्या मजा तुमसे पूछूंगा, मुझे सब सब बताओगी। हाँ बाबूजी पूछिए। नाम क्या है, कहाँ पर ठिकाना, सही सब बताना मुझसे कुछ ना छिपाना। किया किसन घायल तू मुझको बताना, सही सब बताना मुझसे कुछ ना छिपाना। देवी जी तुम्हारा नाम क्या, तुम कहां के रहने वाले हो, इस हालात तक तुम्हें कौन पहुंचाया, साफ साफ मुझे बताना। मेरा नाम अनीता, अमितपुर ठिकाना, सही सच बताई न कि मैं बहाना।